प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए हैं। बावजूद इसके पुलिस महकमा पीड़ित महिलाओं के मामलों में संजीदगी से काम नहीं कर रही है। अमूमन ऐसे हालातों में जब मामला सरकारी अफसरों से जुड़ा हुआ हो, तब पुलिस महिला अपराध से जुड़े आरोपियों पर मेहरबान होकर पीड़ित पक्ष की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसा कहना तब लाजमी हो जाता है जब सरकारी नौकरी वाले बिजली विभाग के अधिकारी खुद अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट करें, यहां तक कि बाथरूम में नहाने गई पत्नी को बिजली का करंट छोड़कर जान लेने की कोशिश करें और पुलिस इन सब शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में चालमटोर करने लगे। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला अपराधों में कमी लाने के लिए महिला थाने भी शुरू किए, लेकिन महिला उत्पीड़न की शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई के बजाय समझौते के कदम उठाने में जुटे पुलिस महकमे के कारण महिला अपराधों में कमी के बजाय बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश में खरगोन कोतवाली इलाके के ब्रजविहार कॉलोनी के रहवासी नेहा जाबर के साथ हुई उक्त घटना में साफ खुलासा होता है। घटना की शिकायत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया जांच उपरांत केस दर्ज करने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन कोतवाली क्षेत्र के ब्रजविहार कॉलोनी की रहने वाली नेहा जाबर ने झिरनिया पदस्थ बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पति पर बार बार मारपीट करने पर और जान से मारने के प्रयास के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अस्पताल में उपचाररत पीड़िता नेहा डाबर ने बताया कि उसका पति मुकेश डाबर शासकीय नौकरी में है। पिछले 3 सालों से छोटी छोटी बातों पर बर्बरता पूर्वक मारपीट करता है। जब वह नहाने गई तो जूनियर इंजीनियर पति मुकेश डाबर ने बिजली के खुले तार बाथरूम में छोड़ दिए। नेहा ने कहा, खुले तारों पर नजर पड़ने पर पड़ोसियों को पुकार कर मदद के लिए बुलाया। पीड़िता ने पति पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पति के अन्य लड़की से संबंध है जिससे शादी करने के लिए वह मुझे प्रताड़ित कर रहा है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने कहा कि बेटी के साथ मारपीट करने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात खुद दामाद ने मोबाइल पर कही, शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस जांच उपरांत कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। सर, पति मारपीट कर रहा है। कारण? 2-3 साल से बहुत ज्यादा मारपीट कर रहा है। इससे तो पहले वो इंजेक्शन भी कर लिया था, पर फिर मेरे को बहुत ज्यादा मार रहा है। पिछली बार मैंने कतवाली थाने पे महिला डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में समझौता करवा के वापस ले गया उन्होंने। फिर बाद में समझौता करा के 5-6 महीने में और मारा मेरे को। फिर मैंने बड़वानी महिला डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में आवेदन दी, वहाँ से भी समझौता करके वापस लाया। फिर अभी बहुत ज़्यादा मार रहा है। 29 तारीख को उसके पापा स्कूटी ले गया, फिर नीचे से देख लिया स्कूटी कौन ले गया, वो ड्रिंक करके आया हुआ था। फिर मैंने बोली तुम्हारा पापा ले गया, इतना बोलते बोलते उन्होंने जूते वाले पाँव ऊपर चढ़ चढ़ के मारा मुझे। फिर मार मार के बेहोश करके बाथरूम में ले जाके घिसड़ के ले जाके कपड़े पूरे फाड़ दिया था मेरे। आज क्या घटना हुई थी? आज तो उन्होंने, मैं नहा रही थी, टिफिन बना दूँ उसके लिए, खाना 6 बजे रवाना कर देती हूँ मैं, तो नहा रही थी, फिर पीछे से उन्होंने करंट छोड़ दिया बाथरूम में और पाइप नल भी चालू कर दिया ठंडा पानी का। मैं खुद नीचे झुक के देख रखा, मैंने बहुत चीखी और चिल्लाई, आवाज़ लगाई उछली वहाँ पे बिना कपड़े से नहा रही थी। तो फिर कंपाउंड में लेट बाथरूम था, उसके ऊपर चढ़ के ना फिर मैंने किरायादार उनका आवाज़ लगाई, किरायादार सुन के आए, फिर वेन बजाए तो उन्होंने वेन दरवाज़ा नहीं खोला और उन्होंने फटाफट पानी वाइपर लेके साफ करा, फिर बाद में वो केबिल हॉर्न निकाल के फेंका। क्या चाहते हैं आप? अब मैं कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर, जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दिलाना चाहिए। उसको दवाई बहुत मारा था, 8 दिन पहले बहुत मारा था, तो उसको मार मार के बाथरूम में फेंक दिया था। लड़की को होश आई, बाथरूम खोल के बाहर आई थी, फिर उन्होंने हॉस्पिटल ले गए थे, तो मेरे को बोलता वो कि हाथ पैर तेरे लड़की का तोड़ दिया, तो देखने के लिए जल्दी आओ करके बोला था। अभी क्या घटना हुई थी आज? अभी आज नहारी 5 बजे तो उसको करंटे छोड़ दिया, तो बाथरूम के ऊपर चढ़ गए, फिर चिल्लाई वो किराएदार ने दौड़ के आया, तो उसने बाथरूम ने खोले। ठीक है, पहले भी मारपीट होती थी? हाँ, पहले भी बहुत मारता था, कई बार ऐसी हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं आप? हम रिपोर्ट करने चाहते हैं। शादी कब हुई थी? शादी 2013 में। हाँ, 2013। क्या नाम है तुम्हारा? राम दुलारे। कहाँ रहते हो? जोपाली। हाँ जी, ये मामला अभी संज्ञान में आया हुआ है और जिस तरह के आरोप उस महिला ने, उनका नाम नेहा है, लगाए हैं, उनके पति का नाम मुकेश है, डावर हैं, ब्रिज बहार कॉलोनी खरगोन के निवासी हैं, उपचार रहते हैं,
तो इस पर संज्ञान में जो लाया गया है, तहरीर जब थाने में पहुंचेगी इसकी तो उस पर जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है उन सभी संभव धाराओं पर कार्रवाई की जाएगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खरगोन से फरीद शेख की रिपोर्ट।